जोधपुर के चोखा ग्राम पंचायत के सरपंच और शराब दुकानदार के बीच में विवाद हो गया, जो कि अब पुलिस थाने पहुंच गया है। दोनों पक्षों की ओर से जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल राजीव गांधी नगर के कार्यवाहक थाना अधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि चोखा सरपंच चुन्नीलाल और गाँव में स्थित एक शराब दुकान सेल्समैन के बीच विवाद हुआ। सरपंच ने विक्रेता और अन्य लोगों पर निर्धारित समय के बाद शराब दुकान खुली रखने का आरोप लगाया, जबकि शराब ठेके के विक्रेता का आरोप है कि उसकी दुकान बंद थी। इस दौरान सरपंच के लोग आए और जबरन दुकान खुलवाने और शराब नहीं देने पर दुकान बंद करने की धमकी दी गई। बॉर्डर में सब सो रहे तो और को भी एक आदमी आयो और सब दारू मांगियो साहब, मैं 11 बजे बाद में दारू नहीं बेचा करूँ साहब, तो मंडी हिला डरा धमका मन के दारू दे, दो ब्लेंडर पेटी, दो बीर भी बीर पेटी और 5000 रुपया मांगे भाई साहब। तो मैं बेचा गरीब आदमी हूँ साहब, मैं हमारे दे नहीं सकूँ, तो मैंने माथा तो मारपीट करी और मन के जबरदस्ती के शराब दे परिवार और वीडियो बनावना चल रही है मार माते और मारपीट की हमारे साथ। नहीं तो कौन कौन है? जित्तू गहलोत और सुरेश परिया। बाद में और कौन आया था? और चुन्नीलाल जी सरपंच साहब। अच्छा, उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने मुझे डराया धमकाया। क्या बोले? कि ठेका नहीं चलने दूंगा, यहाँ पर मारपीट करूंगा, नहीं तो जो भी है ले दे के कर दे। विक्रेता ने कहा कि यही नहीं रुपयों की मांग भी उससे की गई, जब उसने देने से इनकार कर दिया तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इस बीच सरपंच चुन्नीलाल भी मौके पर पहुंचा और शराब की दुकान नहीं चलने देने और मारपीट करने की धमकी दी। यहाँ पे सरपंच चोखा और उनके सभी वार्ड पंच वगैरह यहाँ आए थे, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की। भाई हमारे ये चोखा जो गडाली बाई चौराहे के पास जो ठेका है वो खुला था और हम गए और वीडियो बनाए, तो हमारी वीडियो बना के देखकर नाराज होकर उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जो भी सेल्समैन थे और उनके साथी थे। हमने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया 347-323 और उसके बाद में ये सेल्समैन ने मुकदमा दर्ज कराया कि हमारी दुकान बंद थी, ये लोग आए, इन्होंने चाबी हमारे से ज़बरदस्ती ले ली और उसके बाद दुकान खोलने का जिद किया और क्या शराब दो और हमको पैसे दो, हम यहाँ के चौखा के सरपंच हैं। ये बताया कि भाई चौखा के सरपंच हाँ ये चुन्नीलाल जी हैं, चुन्नीलाल वो आ गए, चुन्नीलाल जी को इन्होंने बुलाया, दो लड़के आए थे, उन्होंने जिद किया, फिर चुन्नीलाल जी और उप सरपंच आए, जैसे FIR में बताया, उन्होंने कहा कि भाई हमें अच्छा सेटलमेंट कर, हमें यहाँ के सरपंच ये एरिया द्वारा बताया गया है, उसको धमकी भी दी, धमकी दी कि भाई ये हमारा एरिया है और हमको आप इतने पैसे दो नहीं, और उस पर नाराज होकर और उन्होंने मारपीट की। हमने इसमें सेल्समैन ने मना किया दारू देने से, तो मारपीट की, इसका कहना ये है। सरपंच के ऊपर कौन से धारा में मुकदमा दर्ज किया गया? 327-323 IPC में दर्ज हुआ है, अब कितनी सच्चाई है वो तो मैंने इस में पता लगा। वहीं सरपंच का कहना है कि गांव में कोरोना का संक्रमण नहीं फैले इसके लिए टीम बना रखी है, ये टीम गांव में जाकर जांच करती है ताकि लोग इकट्ठा ना हो और संक्रमण ना फैले। उनके या उनके लोगों ने कोई शराब या पैसे की मांग नहीं की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के सीटीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र ढूडी की रिपोर्ट।